कोई मोटिवेट करता है, कोई हमारा उत्साह हमारा मनोबल तोड़ता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वही बातें ग्रहण करनी है जो हमारे लिए काम की हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा उत्साह हमारी आशा तोड़ देते, कुछ ऐसे जो हमें मोटिवेट करते। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बातों को ही ग्रहण करना है, क्योंकि लोग तो कहेंगे और लोगों का कहना है, लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का ये कहना है, लेकिन हमें वही करना है जो हमारे काम का है। तो अगर उस मेंढक ने अगर उन लोगों की बात सुन ली होती ना, तो वो भी वहीं पड़ा वहीं चढ़ता जहाँ पे पहला मेंढक था। तो हमें क्या करना है, जो लोग कह रहे हैं ना उनको भी एक पॉजिटिव एक सकारात्मक तरीके से सोचना है और उसको अपनाना है। क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे ना, तभी हम कुछ कर पाते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने जो मैं स्टूडेंट्स है और जो कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप उस भाग्य के भरोसे मत बैठिए कि भाई एग्ज़ाम होगा तब तैयारी करूँगा, ठीक है ना। और कुछ कह रहा है कि एग्ज़ाम तो नहीं होगा क्या करूँ। तो अब आप एक चीज़ और सोचिए कि अब आप जो कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो और अगर आप जो कर रहे हैं उसकी जगह अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे होते ना, तो उसमें बेटर क्या था। बेटर ये था कि जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो आपके काम आती, पढ़ाई आपके काम आती। क्योंकि ईमानदारी और कठोर जो मेहनत होती है ना, वो सफलता जरूर दिलाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस डेली लाइफ में आप पढ़ाई